साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बने भारत मंडपम में एक बड़े खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने के उद्देश्य से 1,00,000 से अधिक SHG सदस्यों को बीज पूंजी सहायता भी देंगे। साथ ही पीएम मोदी की ओर से दी गई इस सहायता से SHG के बेहतर पैकेजिंग और गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट के जरिए बाजार में बेहतर दाम हासिल करने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के हिस्से के रूप में फूड स्ट्रीट का भी उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बलिया गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे। बता दें कि बलिया में सीएम योगी महिला सम्मेलन में शिरकत करेंगे और बलिया को 35 विकास योजनाओं की सौगात भी देंगे। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में अनुसूचित वर्ग सम्मेलन में शिरकत करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली और NCR में प्रदूषण चरम पर है और प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार की ओर से कई कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी स्थिति सामान्य होती नहीं दिख रही है। केंद्र के प्रदूषण नियंत्रण पैनल ने 2 नवंबर को दिल्ली NCR में गैर जरूरी निर्माण कार्य और राजधानी में डीजल से चलने वाले ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए, क्योंकि शहर में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। इसके अलावा स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस आयोजित करने की भी सलाह दी गई है। आपको बता दें कि ग्रैप 3 में कई सारे कामों पर प्रतिबंध लगाया गया है। माफिया आतिक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल में हुई हत्या के मामले में आज जिला जज संतोष राय की कोर्ट में सुनवाई होगी। बताया जा रहा है कि हत्यारोपी लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्या पर अतीक और अशरफ की हत्या का आरोप तय होना है। साथ ही प्रतापगढ़ जेल में बंद तीनों आरोपियों को सुरक्षा कारणों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। बताया जा रहा है कि 25 अक्टूबर को प्रयागराज के जिला जज संतोष राय की कोर्ट में तीनों शूटर्स की पेशी कराई गई थी और शूटर्स पर SIT की चार्जशीट के आधार पर आरोप तय माना जा रहा है। हालांकि पिछली डेट पर तीनों आरोप तय नहीं किया जा सका था और अब आज मामले की सुनवाई की तारीख तय कर दी गई है। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड जीत हासिल की है। इसी के साथ भारतीय टीम वनडे वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। गुरुवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका को हराने के साथ ही भारतीय टीम ये उपलब्धि हासिल की। भारतीय टीम अब तक अपने सभी 7 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर काबिज है। 358 रनों के टारगेट के जवाब में श्रीलंकाई टीम 19.4 ओवरों में 55 रनों पर ही सिमट गई। इस हार के साथ श्रीलंका सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई है। श्रीलंका के लिए कसुन रजीथा ने 14, एंजोले मैथ्यूज ने 12 और महेश तिक्षणा ने 12 रन बनाए। टीम ने 5 बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल सके। भारत के लिए मोहम्मद शमी ने 5 और मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट झटके। मैच में टॉस हार कर पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने 8 विकेट पर 357 रन बनाए थे। टीम के लिए शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 92 रनों की पारी खेली, जबकि विराट कोहली ने 88 रन और श्रेयस अय्यर ने 82 रन बनाए। श्रीलंकाई तेज गेंदबाज दिलशान मंदुषिका ने 5 खिलाड़ियों को शिकार बनाया। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन के बाद देश भर में 45 सांगठनिक विश्व हिंदू परिषद प्रांतों के राम भक्तों के लिए दर्शन की व्यवस्था की गई है। इससे पहले दर्शन का सौभाग्य ब्रज प्रांत के राम भक्तों को दिया गया है। इससे पहले 1 जनवरी से 15 जनवरी तक विहिप के कार्यकर्ता ब्रज प्रांत के 23 जिलों के 2 करोड़ घरों तक रामलला के प्रसाद के रूप में पूजित अक्षत पहुंचाएंगे और भगवान राम के 35,00,000 चित्र पर भी घर घर पहुंचाए जाएंगे। साथ ही 15 जनवरी तक 2023 जिलों में विहिप कार्यकर्ता घर घर पहुंचेंगे, जिसको लेकर अयोध्या में तैयारियां भी चल रही हैं। वहीं बरेली के विहिप जिलाध्यक्ष मानवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि भगवान राम के समक्ष अक्षत का पूजन होगा।
रायबरेली में दीपावली त्योहार को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। बताया जा रहा है कि शिवगढ़ में हुई पटाखे की घटना को लेकर प्रशासन अब सजग भी हो गया है। जहां जिला अधिकारी हर्षिता माथुर ने निर्देशन पर सिटी मजिस्ट्रेट प्रकाश चंद और सीओ सिटी अमित सिंह ने पटाखे की दुकानों पर छापेमारी भी की है। साथ ही भदोघर थाना क्षेत्र के कई दुकानों पर छापेमारी करते हुए कड़े निर्देश भी दिए गए। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट प्रकाश चंद्र ने बताया कि दुकानों पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम है या नहीं, पानी के साथ बालू फायर डिस्ट्रीब्यूटर की व्यवस्था भी की गई, ये और आगे जांच की जाएगी। झांसी में नकाबपोश बदमाशों ने दंडहारे 7 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद डीआईजी जोगेंद्र कुमार ने मोर्चा संभालते हुए एसएसपी राजेश एस के साथ 3 टीमों का गठन किया। वहीं घटना के खुलासे में लगी मऊआ रानीपुर कोतवाली पुलिस प्रभारी निरीक्षक जेपी पाल सहित एसओजी टीम लगातार दबिश दे रही थी और सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद बदमाशों की शिनाख्त में जुटी थी। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि 2 बदमाश बाइक पर सवार होकर भागने के फिराक में हैं, जहां पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और दूसरे बदमाश को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। वहीं एसपी देहात गोपीनाथ सोनी ने बताया कि 7 लाख की लूट की रचना रचने वाले ऋषभ के बैग में सिर्फ 80,000 रुपए थे, जो बदमाशों के पास से बरामद हुए हैं। इसके साथ ही 2 अवैध तमंचा और बाइक भी पुलिस ने बरामद की है। इसके अलावा अन्य आरोपियों की तलाश में मऊआ रानीपुर पुलिस जुटी हुई है। ये जो मुठभेड़ हुई है, मुठभेड़ के बाद ये बात समझ में आई, ये निकल के आई है जांच के बाद कि ये जो घटना 7,20,000 की हुई थी, तो उसमें जो मौके पे तलाशी ली गई तो बैग से 80,000 रुपये मिला और मोटरसाइकिल मिली और इनके पास से 2 असलहे मिले हैं और इनके आपसी बातचीत के वायरल वीडियो भी ऑडियो भी वायरल हुए हैं, जिसमें ये पता चला है कि इन लोगों की जो प्लानिंग थी, उस प्लानिंग के बारे में पता चला कि ऋषभ राजपूत ने अपने आशीष दोस्त के साथ इस तरह का प्लान किया था कि तुम लोगों को 80,000 रुपये मिल जाएंगे, बाकी पैसा जो है जो बच रहा है वो हम हड़प लेंगे। गाजियाबाद के थाना लोनी क्षेत्र के सिकरानी के 31 अक्टूबर को हुई अनिल राठौड़ की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस के मुताबिक तीनों दोस्त एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे। इस दौरान तीनों में आपसी विवाद हुआ और अनिल राठौड़ ने कुलदीप को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद कुलदीप और अनिल की मारपीट होने लगी, जिसके बाद बलराज और कुलदीप ने ईंट से पीट पीट कर अनिल की हत्या कर दी और फिर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही हत्या में इस्तेमाल हुई ईंट भी बरामद कर ली है। थाना लोनी के बंथला चौकी के अंतर्गत सिकरानी गेट के अंदर कल एक डेड बॉडी पड़ी होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसके चेहरे पर चोट के निशान थे, जिसकी बाद में पहचान अनिल राठौर के रूप में हुई थी, जो थाना बिसरक का रहने वाला था। इसमें अनिल राठौर के परिजनों के द्वारा नामजद मुकदमा पंजीकृत कराया गया था सोनू नागर आदि के विरुद्ध। इसमें इस घटना के अनावरण के लिए तत्काल ही कई पुलिस टीम का गठन किया गया, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और अन्य मैनुअल इनपुट के आधार पर इस घटना के अनावरण के लिए प्रयासरत थे। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।